खूबसूरत मौसम है। और ऐसे मौसम में क्या दिल करता है गरम गरम चाय के साथ गरम गरम आलू के पराठे। तो मैं तो जा रही हूँ आलू के पराठे खाने के लिए, चलें आपको भी साथ लेके चलती हूँ। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए मज़े का मौसम है, चलें जी। आलू हम पहले लेंगे, 2 किलो आलू लेंगे और उनको हम बॉयल कर लेंगे। और ये मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि आलू के छिलके मैश करने के बाद अगर उतारे जाएं तो ज़्यादा इजीली उतर जाते हैं। चलें ये भी ट्राई कर देखते हैं, वरना मैं तो बॉयल करके ही उतार लेती हूँ। उनको बॉयल करके मैश कर लेंगे और उसके बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैश करने के बाद। और मैशर से ज़्यादा हाथ से ही ज़्यादा ईजी रहता है इनको मिक्स करना। ठीक है, जब ये बिल्कुल अंदर गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी इसके, तब हम इसमें डालेंगे नमक, डालेंगे हसबे जायका। इसके बाद यानी कि चाट मसाला है, चाट मसाला आप अपनी मर्जी से डालिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। 1.5 चम्मच तक खाने का चम्मच चाट मसाला डालेगा। ये सारी चीज़ें डाल के फिर एक ही बार मिक्स कर लें। चाट मसाले के बाद हम इसमें डालेंगे सूखा पुदीना। पुदीना आप हाथ में थोड़ा सा मसल के डालेंगे तो उसमें जो डंडियाँ सी रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, वरना सारा अंदर चला जाता है तो वो डंडियाँ सी मुंह में आती हैं। और सूखे पुदीने की खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त होती है, तो इसके बगैर तो पराठा बनेगा ही नहीं। सुरख मिर्चें डालेंगे एक से सवा टेबल स्पून तक। इसके बाद इसमें डलेगा, जैसे जैसे चीज़ें डलेंगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं पहले बता दूंगी चीज़ बाद में डलेगी तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगी। इनको मिक्स कर लें, इसमें सूखा पुदीना पिसा हुआ, वो ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि वो फिर अलग से एक टेस्ट आने लग जाता है, वो मज़ा नहीं आता। अब इनको अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लें कि सारा मसाला यकजान जिसे कहते हैं वैसे ही हो जाए। सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। इसको अगर इसका जो बाकी मटेरियल है आलू के बाद, अगर आपका दिल चाहे तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा लीमू और थोड़ा चिकन डाल के आप इसमें इसको कटलेट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि लीमू पराठों में तो अच्छा नहीं लगेगा। ये रह गया था गरम मसाला। गरम मसाले में सूखा धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन तीनों को आप कुट के, जैसे मोटा मोटा सा होता है वैसे आप करके ना वो आप डालेंगे, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट इस तरह से आना चाहिए। और अगर इसमें ज़ीरे को आप थोड़ा सा भून के अगर वो कुटेंगे तो वो उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। सब्ज़ धनिया, क्योंकि जब ये सारा बारीक जो मसाला है ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपने ये ग्रीन सारी चीज़ें ये डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद तक, लेकिन अगर आप हल्की खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। पराठों में तो मसाले ही ज़्यादा मज़े का लगता है, जितने ज़्यादा तेज़ मसाले वाले होंगे पराठा मज़े का लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल लें। इसके बाद फिर इनको मिक्स करें। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। आपको 2 तरीकों से पराठा बनाना सिखाएंगे। एक कोन का स्टाइल होता है और एक होता है डबल पेड़े वाला। पहले हम आपको कोन वाले स्टाइल में पराठा बनाना सिखाएंगे। इसमें बल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कोन वाले स्टाइल में, वो लच्छेदार पराठा होता है उस स्टाइल में बन जाता है। ठीक है, देखिए एक रोटी का पेड़ा लेके उसे अच्छी तरीके से जब आप बेल लेंगे, ये देखिए ऐसे बिल्कुल गोल गोल, ये मेरे से तो नहीं बनती, मेरी सिस्टर बना रही हैं। अब इसमें कट लगा लेंगे एक साइड से और फिर बाकी के रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि अंदर से बिल्कुल खुश्क नहीं हो। और जब घी हम लगाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। अब ट्राई तो कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है क्योंकि ये इस तरह से लच्छेदार मेरे से इतना अच्छा नहीं वो बनता, सो मैं इसलिए फिर अपनी सिस्टर से मैंने कहा कि आप बना के दिखाएं।
क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है, बहुत मजे का बनाती है। अगर आप इसको ऊपर मक्खन भी लगाएंगे ना अगर बाद में तवे पे, और भी ज्यादा मजे का हो जाएगा। घी लगा के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डालें, वो मटेरियल अच्छी तरह से सेट हो जाए उसके ऊपर। अब इस पे सारा ये आलू का जो मटेरियल हमने बनाया था वो बना के हम इसके ऊपर इस पे रखेंगे। कट से थोड़ा सा कट वाली जगह पे ये मटेरियल नहीं आना चाहिए, कि आप ज़रूर ख्याल कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना, तो वो मटेरियल उस जगह पे ना हो, इर्द गिर्द बाकी लगाना। बहुत ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि जब ये हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे तो फिर ये सारा खुद ही एडजस्ट हो जाएगा पूरे पराठे में। यहाँ हमने थोड़ा ज़्यादा ही भर दिया था, मैं आपको तो कह रही हूँ, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा भर दिया था, लेकिन इतना नहीं भरना होता, हल्का सा ही वो करना होता, वो खुद ही एडजस्ट होता है। अब ये कोन की तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, ये सारा फोल्ड हो गया, ठीक है। इसको आप ऊपर से भी बंद करेंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे जैसे पेड़ा बनाया जाता है, और इसी प्रेसिंग में ही इसके बल आ जाते हैं। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो बल बल से आते हैं, और वही फिर लच्छेदार पराठे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर दोबारा से हम इसको रोटी की सूरत में हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन इसके ऊपर ना बेलना आहिस्ता आहिस्ता वो करना है, क्योंकि अगर हम एकदम से इसके ऊपर ज़ोर से वो करेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगा और अंदर से मटेरियल निकल आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलना है, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। जब आपको लगे कि बस अब ये इसकी जो लेयर है ये बारीक हो रही है, छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद ये फट जाएगा, फिर आपसे नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ से ये अब बहुत बारीक होती जा रही है, मटेरियल नीचे नज़र आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हाथ रोक देना चाहिए। जब तवा हमने पहले ही चढ़ा दिया था और तवा गर्म हो जाए तब आपने इसको डालना, ठंडे तवे के ऊपर नहीं डालना, वरना आपकी सारी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल का पराठा बन के आ गया। अब इसके साथ अगर गर्मा गर्म चाय हो तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन हमने आपसे कहा कि हम आपको दो तरीकों का पराठा सिखाएंगे, अब एक और स्टाइल में, पहले पराठा बना लें उसके बाद चाय पियेंगे। ये देखिए दो पेड़े बना लें, छोटे छोटे, बड़े नहीं बनाने, ये छोटे छोटे बनाएंगे तो ये बढ़ते वो आप ही खुद ही बढ़ जाएगा। एक साथ ही दोनों हम बना लेंगे, इसमें हम मटेरियल डाल लेंगे आलू का, अब इसमें मटेरियल भर लें। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि हमने साइडों से इसको आपस में दोनों को जोड़ना है, तो इतनी स्पेस रखनी है कि वो आपस में जुड़ भी जाएं और मटेरियल बाहर नहीं निकले, सेंटर में ही मटेरियल ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि जब हम उसको बेलते हैं तो वो जितना भी होता है वो खुद ही एडजस्ट हो जाता है, बेलने की वजह से हल्का हल्का हर तरफ आ ही जाता है। ऐसे इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बेलेंगे, इसको भी बहुत जोर से नहीं बेलना, हमने साइडों से प्रेस किया है, किसी उससे तो नहीं जुड़ा हुआ, जोर से बेलेंगे तो किनारे टूट जाएंगे और मटेरियल सारा बाहर निकल आएगा। इससे ज्यादा इसको नहीं बढ़ाना, इसको हम तवे पे डालेंगे। वैसे ये ज्यादा मजे का लग रहा है मुझे, बिल्कुल गोल गोल इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये इसकी फाइनल की शक्ल निकल रही है जो पराठे की होती है, और जिसको देख के भूख लगना शुरू हो जाती है, मुझे तो लग रही है, आपका मुझे नहीं पता। ये देखिए ये एक और पराठा बन गया है, अब हम इसको चाय के साथ खाएंगे। बाहर बाकी जो मटेरियल बच गया था उसके हमने उसमें हमने लीमू डाल के कटलेट्स बना के रख लिए हैं, ये हम फिर किसी वक्त आपको फ्राई करके देंगे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और बहुत मजे का मौसम है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। बस आपको बता दिए जो मटेरियल बच जाए उसको ऐसे यूज़ करें, देखो बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं, पराठे चाय बूंदाबांदी हो रही है, अहमद मशारिब इर्जम सब लगे हुए हैं पराठे खाने पे। चलें जी एक और एंट्री भी हो गई है जानिता की। इस मौसम में
यही ही सबसे मजे के लगते हैं पराठे ही। पराठे हो, साथ गर्मा गर्म चाय हो, ग्रीन पुदीने और धनिए की चटनी हो, मजा ही आ जाता है। ठीक है, चलें।